नाम लड्डू यानी चने का आटा, जिसे हमारी और आपकी भाषा में बेसन कहते हैं। भले ही आप 500 मिठाई बनवाना, बूंदी या लड्डू जरूर उसमें बेसन का प्रयोग जरूर करना, उसको सो माना गया है। बेसन मंगल कारक है, ये मंगल ही मंगल करता है, घर के अनिष्ट को समाप्त करता है। इसलिए हनुमंत लाल जी और गणेश जी का भोग ज्यादा से ज्यादा बेसन की बूंदी या लड्डू का लगता है, ये मंगल कारक है। चने का आटा, चने को इतना विशेष माना गया है कि चने की दाल और गेहूं का गुथा हुआ आटा, उसमें थोड़ा सा गुड़ हर गुरुवार को गैया को खिला दो तो बच्चों की शादी समय से हो जाती है। कितना प्रभाव है गेहूं का आटा, गुड़ और चने की दाल, तीनों चीज गौ माता को खिला दो, एक साथ गुरुवार तक कर लो, देखिए कमाल हो जाएगा, अच्छी बहू आएगी घर में, लल्लुओं के विवाह हो जाएंगे, उसी साल में हो जाएंगे। अब तुम 45 में करो तो फिर मेरी जवाबदारी नहीं है, अभी उनकी उम्र टाइम से है तो हो ही जाएगा। अब किसी का बेटा हो गया हो 48 का, चलो गैया को दौल खिलाए देते हैं चने की दाल, 48 साल के बेटे का विवाह हो जाए तो घर में बहू आ जाए और आप अजमाना शुरू कर दें। एक किसी 53-54 वर्ष के किसी व्यक्ति ने चरणों में एक महात्मा जी के में वंदन किया तो गुरुजी थोड़ा कुछ सोच रहे थे, क्योंकि उनसे पहले से जो आए थे उनको कह रहे थे पुत्रवान भव पुत्रवान भव पुत्रवान भव, ये 55 के लगभग होगा। तो जैसे ही उसने प्रणाम किया तो गुरुजी एकदम रुक गए, तो उसने कहा कि सबको पुत्रवान भव बोल रहे हो, मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देते। कहा कि मुझे थोड़ा सोच लेने दो कि तुम कौन से आशीर्वाद के लायक हो। साधु ने कहा थोड़ा विचार, हाँ मैं बोल दूँ पुत्रवान भव और उसके लायक तुम नहीं हो तो फिर भगवान की बात झूठी नहीं हो जाएगी। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। यदि अभी टाइम निकला नहीं है और सब बातें समय की हैं तो ये बताए गए उपचार ये बहुत सिद्ध हैं अपने आप।